भोलो शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि के उपलक्ष में यहाँ 4 दिवसीय मेला लगता है और उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं हमारे श्रद्धालु सभी लगे हैं। मंदिर की सजावट हो रही है, रंग पेंट का काम हो चुका है, अब जो है सजावट का कार्य चल रहा है। अब 20 तारीख को यहाँ विशाल मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसकी शुरुआत 20 फरवरी को होगी और जो है उसके 20 फरवरी को होने के बाद यहाँ कल्चर प्रोग्राम 20 फरवरी को शुरू होंगे और महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु आते हैं काफ़ी तादाद में और उस दिन भी कल्चर प्रोग्राम होंगे और अगले दिन 22 तारीख को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन है जिसमें के साधु संत भी आएंगे और हमारे जम्मू के लोकल पब्लिक भी आती है, सभी श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद अगले दिन 23 तारीख को यहाँ छिंज जो है कुश्तियाँ दंगल होगा, कुश्ती होंगी जिसमें जो है जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों के पहलवान भी आएंगे और यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले वगैरह भी लग रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है इस मेले के अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें जम्मूवासी और भगवान शिव जी महाराज का जो आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं सभी से यही अपील करूँगा कि हमने पिछले साल भी प्रयास किया था कि पोलोथीन फ्री मेला करवा गया था और सभी श्रद्धालुओं ने इसमें भरपूर योगदान दिया था और इस बार भी जो है उसी तर्ज पे कि हम यही अपील कर रहे हैं सभी से कि प्लास्टिक यूज ना करें और हमारे जितने भी यहाँ पीर खो गए अंदर महाशिवरात्रि के दिन लंगर लगते हैं श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के लिए तो वो भी हमारा पूरा सहयोग देते हैं। सभी लंगरवासी जो है पत्ते की पत्तली उपयोग करें और प्लास्टिक की जो है डिस्पोजल चीज़ कोई भी ना इस्तेमाल करें और जो कूड़ा कचरा जो डस्टबिन लगे हों उन्हीं के अंदर डालें। मंजी, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल होते हैं इस मेले में और क्या कार्य उनके रहते हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखो जी, कार्य तो डिपार्टमेंट तो कम से कम इसमें हम जो अपने यहाँ से 20 डिपार्टमेंट है जिनको हम चिट्ठी भेजते हैं 20 डिपार्टमेंट है जिनको हम चिट्ठी भेजते हैं यहाँ से, उनमें जो है अहम रोल टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, कल्चर अकेडमी का है और म्यूनसिपैलिटी का है जिसमें जो है PHE PWD ये सारे ही डिपार्टमेंट आ गए, PDT जो बिजली विभाग है, इसमें तकरीबन सभी का योगदान रहता है इस मेले के अंदर और जो है सबसे मेन अहम रोल टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। क्या तय समय तक ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं? देखो जी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तकरीबन रह जाती है कि जैसे कि शिवरात्रि से पहले 10-15 दिन पहले मीटिंग होती है, डिवीजन कमिश्नर साहब के दफ्तर में मीटिंग होती है पीरखो के मेले को लेकर के। इस बार अभी तक डिवीजन कमिश्नर साहब के यहाँ वो मीटिंग नहीं हुई, डिप्टी कमिश्नर जम्मू के यहाँ तो मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो हमारे यहाँ स्पॉट मीटिंग होती है डिपार्टमेंटों की वो यहाँ पर कल हुई। एडिशनल DC साहब यहाँ आए, उन्होंने सभी महकमे लेकर के आए, सबको उन्होंने जो ऑर्डर किए हैं कि जो कार्य रह चुके हैं वो तय समय से इनॉग्रेशन होने से पहले पहले 19 तारीख से पहले फाइनल होने चाहिए। मेरा नाम वंदना राज अवस्थी है और ये हमारे साथ हमारी बड़ी दीदी शान बख्शी जी, हम लोग आए हैं लखनऊ से। यहाँ हम लोग आते हैं वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए और यहाँ मेनली आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ के। और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे आ रही हूँ और बड़ी ही आस्था, और कहते हैं इतना पौराणिक ये मंदिर है, इतना ज़्यादा तो इतनी श्रद्धा, मैं इससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट मेरा हो गया है कि इन्होंने साल भर के अंदर बाबा ने हमें कुछ दिया तो अब दिल कहता है कि जब भी जम्मू आओ तो बिना यहाँ आए रह नहीं सकते हम लोग। कौन सा मंदिर है और शिवरात्रि भी आने वाली है, किस तरह की रौनक आप देख रहे हो, तैयारियाँ कैसी हैं? शिवरात्रि के आने वाली है, ये भोलेनाथ का बहुत बड़ा पर्व होता है जो कि 21 फरवरी को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा सकता है, ये मनाया जाता है। लेकिन ये जम्मू कहते नहीं है कि ये तो भोलेनाथ की धरती है, कहा जाता है स्वर्ग है, और ये जो हम लोगों की आस्था है यहाँ भोलेनाथ बैठे हैं और बहुत इतने पौराणिक हैं कि यहाँ पे कहते हैं कि 3 उसके रूप में उगे, मतलब भोलेनाथ यहाँ पे स्थापित हुए, इनके साथ माता पार्वती उमा देवी के रूप में यहाँ पर अंदर
प्रकट हुई हैं। और जो ये लिंग है ये कहते हैं कि सतयुगी लिंग है और यहाँ से अमरनाथ की गुफा अंदर गई हुई है, जिसको अभी तो खैर बंद कर रखा है। लोग बताते हैं कि इसके जन्म की दंतियाँ हैं कि पहले लोग यहाँ से जो लोग अमरनाथ गुफा गए तो कुछ लोग तो उसमें से लौट आए कि ये अंदर जो गुफा है जामुन जी की ये सीधे अमरनाथ में अटैच होती है, तो कुछ लोग तो वहाँ से लौट आए, कुछ लोग वहाँ से नहीं लौटे। तो उनके शहीदों के लिए यहाँ पर अभी आप अंदर देखोगे तो कटोरे में आज भी दिया जल रहा है बराबर उनकी श्रद्धांजलि के रूप में। और अभी तो फिलहाल ये गुफा बंद कर दी जाती गई है, लेकिन फिर भी दिखाई जाती है और ये एक बहुत बड़ा इतिहास है और एक बहुत बड़ा सच है। तैयारियाँ कैसे देखते हैं यहाँ? यहाँ तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही हैं और आप ये देखिए पूरा मंदिर धुला जा रहा है, एक एक चीज़ें यहाँ पर नए तौर पे बिल्कुल, जितने भी यहाँ के प्रधान हैं साफ सफाई इतनी अच्छी हो रही है और सब लोग लगे हुए हैं, हर मूर्ति एकदम चमक रही है। अंदर गुफाएं देखिए रंगी हुई है, इतना सुंदर अंदर का दृश्य है कि मैं आपको वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सुंदर। अभी आप अपनी उससे देखेंगे कि इतना सुंदर लग रहा है। और देखिए ये देखिए रंग बिरंगे बिल्कुल सब लगा दिया गया है, जैसे भोलेनाथ की शादी का बिल्कुल समझिए माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, भक्तों को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। मेरा नाम शान बख्शी है, मैं भी लखनऊ से आई हूँ अपनी सहयोगी वंदना राज अवस्थी जी के साथ। और हम लोग भी जब भी माँ के दरबार पर आते, जब भी माँ हमको बुलाती है तो इस दरबार पर हम जरूर आते हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ का जो पर्व शिवरात्रि होने जा रही है उसको लेकर बहुत ही अंदर जो है तैयारियाँ चल रही हैं, प्रसाद के रूप में भी अंदर प्रसाद भी पंडित जी तैयार कर रहे हैं, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है और भक्तों को निरीक्षण भी बहुत अच्छा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है भी कुछ अधिकारी, जब हम लोग यहाँ आए थे तो कुछ अधिकारी थे जो पुलिस के थे वो यहाँ पर आए हुए थे, वो भी दर्शन करके गए हैं, सब निरीक्षण करके गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जो भोलेनाथ का ये स्वयं स्थान है। मैं ओम प्रकाश शिवन जी ने हूँ धर्म ट्रस्ट का। सर क्या कहेंगे जिस तरह से शिवरात्रि का पर्व जो कब आ रहा हो उसकी तैयारियों में जो है? शिवरात्रि 21 तारीख को है, इसमें हम पेंट वगैरह इसकी सारा पेंटिंग वगैरह वर्क शुरू किया है, बिजली का काम भी शुरू किया, बिजली भी सारी तकरीबन खत्म हो गई है, लगा रहे हैं और लाइटें लूटें वगैरह लड़ी सब को लगा रहे हैं। जोरों पर चल रहा है जी, बिल्कुल जोरों पर चल रहा है और शिवरात्रि के पहले पहले हम कम्प्लीट कर देंगे। ये वही प्राचीन गुफा है जहाँ का जो शिवलिंग है वो खुद प्रकट हुआ हुआ है और रुद्राक्ष का शिवलिंग है, पूरे भारतवर्ष क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वो शिवलिंग नहीं है। ये जहाँ पे हर साल शिवरात्रि पे धूमधाम से यहाँ पे जो फंक्शन होता है, जहाँ का जो संविधान है अब 20 21 और 22 तीन दिन जहाँ पे लगातार जहाँ पे फंक्शन चलेगा, जहाँ से दूर दराज से बाहर से लोग आएंगे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और जहाँ पे शिवरात्रि के वाले दिन 21 तारीख को जहाँ पे पीरखों में भंडार अनेक भंडारे जो लगाएंगे, और जहाँ पे मार्केट की तरह से श्री राजेश गुप्ता जी भी बहुत सालों से जहाँ पे भंडारा लगा रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण भंडारा होता है, जो इस पीरखों की रौनक का एकमात्र भंडारा भी माना जाता है, और जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं झूले का आनंद लेते हैं, जहाँ पे झूले लगाए जाएंगे, गंडोले लगाए जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जहाँ पे संविधान किए जाएंगे, कल्चर फंक्शन होंगे, और जब जहाँ का जो मुख्य फिर उसके बाद जब शिवरात्रि का अंतिम दिन होगा ख़त्म, जहाँ पे जब ख़त्म होगा समारोह, तो तब जहाँ पे दंगल का प्रयोजन भी किया जाएगा।